बड़ी मशहूर कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको फलां ने ठगा नहीं, मगर मोदी सत्ता के दौरान एक नई कहावत ने जन्म ले लिया है कि ऐसा कोई पद नहीं जिसका घटाया कद नहीं। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति को लेकर एक बार फिर से पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन के विशेष अधिकारी रहे एस एन साहू ने बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं, सवाल उठाए हैं। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आजादी के बाद से चले आ रहे परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगा है। बेहद आसान भाषा में पूरी कहानी आपको बताएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में चार अन्य बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट का जिक्र होगा। आप अक्सर महसूस करते होंगे कि आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ थी, आपने दवा ली मगर दवाई का बढ़िया असर नहीं हुआ, या फिर कभी कभी दवा खाने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो भारत में 50 दवाओं में कमी का खुलासा करती है, उनके नकली यानी फर्जी होने का खुलासा करती है, जिन्हें हम आप आए दिन पानी लेकर घोट जाते हैं। कौन कौन सी दवाएं हैं देखना बड़ा जरूरी है। इसके साथ ही मोदी सत्ता के पिछले 7 सालों के एक जबरदस्त कारनामे का रिपोर्ट कार्ड भी सामने आया है जो बता रहा है कि क्रीम पाउडर वाले मेकअप के भीतर मोदी सत्ता की हकीकत क्या है। हकीकत सच में बड़ी डरावनी है। इसके अलावा आए दिन फीता काटने, परियोजनाओं का शिलान्यास करने और बड़ी बड़ी हांकने के पीछे की एक जबरदस्त कहानी खुलकर सामने आ गई है जो मोदी सत्ता की कथनी और करनी में बड़ा अंतर बता रही है तथा आपके धन की बर्बादी को प्रमाणित कर रही है। उधर आंध्र प्रदेश में जैसे ही TDP की सरकार आई है, मीडिया को लेकर उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसके बाद से सवाल उठने लगा है कि क्या चंद्रबाबू नायडू भी मोदी सत्ता की तरह काम करने में लगे हुए हैं? क्या मोदी सत्ता से, मोदी शाह से ट्यूशन ले रहे हैं? कैसे मीडिया को दबाना है? इस वीडियो में सभी मामले बेहद महत्वपूर्ण हैं। कम से कम शब्दों में बेहद आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा, मगर उससे पहले अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा। टन से कहावत है कि रस्सी जल गई गांठ नहीं गई। जोड़ तोड़ की सरकार में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी सत्ता एक के बाद एक परंपराओं को तोड़ते हुए और यहां तक कि राष्ट्रपति से तोड़वाते हुए नए नए काम कर रही है, मगर देश का मीडिया एक बार फिर से मोदी सत्ता के तलवे चाटते हुए इन सारी बातों को छुपा रहा है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि मीडिया को अपने खर्चे पर चलाइए ताकि देश का सच आपके सामने आता रहे और कोई आपकी आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश न कर पाए। इसलिए यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव परिणाम आने के बाद संसद के भीतर परमानेंट स्पीकर चुनने के लिए और सदस्यों को, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। यानी जैसे ही परमानेंट स्पीकर चुन लिया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर का काम समाप्त हो जाएगा। भारत में पहले चुनाव के बाद यानी 15 मई 1952 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य बी दास को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। इसके बाद सेठ गोविंद दास को 4 बार प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। फिर DN तिवारी सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में 1977 में बनाए गए। 1980 और 1985 में जगजीवन राम प्रोटेम स्पीकर बने। इसके बाद 1989 में NG रंगा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया तथा इंद्रजीत गुप्ता 1991 से लेकर आगे कई बार वरिष्ठता के आधार पर चुने गए। ऐसे ही साल 2004 में सोमनाथ चटर्जी को नियुक्त किया गया और जब वे ही लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए तो बाला साहेब विखे पाटिल ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में जगह ली। 2009 में मणिक राव, 2014 में कांग्रेस के वरिष्ठतम सांसद कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर चुना गया। ये वही 2014 है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। इसके बाद साल 2019 में भाजपा के वीरेंद्र कुमार को इस पद के लिए चुना गया और ये सभी लोग अपनी नियुक्ति के समय लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सदस्य रह चुके थे। यानी देश की पहली लोकसभा से लेकर आखिरी लोकसभा 2019 तक जो परंपरा चली आ रही थी, 2024 में उस परंपरा को तोड़ दिया गया है। ये कहना है भारत के ही पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन के विशेष अधिकारी रहे SN साहू का। इनका कहना है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरानी परंपराओं को नजरअंदाज करते हुए भाजपा के सांसद को, जिनका नाम है भर्तृहरि महताब, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया, जबकि वरिष्ठता के आधार पर कांग्रेस के सांसद K सुरेश को यह पद दिया जाना चाहिए था, मगर राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। आपको याद होगा अब यही K सुरेश परमानेंट स्पीकर के पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब तक स्पीकर के पद का चुनाव हो चुका हो। इस मसले पर भाजपा की तरफ से एक अजीबोगरीब बयान सामने आया कि उनके सांसद कंटिन्यू चुनाव जीतते रहे, जबकि ऐसी कोई बात अब तक देखने को नहीं मिली थी। लगातार चुनाव जीतने और सांसद बने रहने की बात कहीं भी चर्चा में नहीं है। अब तक का आधार केवल अधिक समय तक संसद सदस्य रहने का ही रहा है, मगर चूंकि आप जानते हैं भाजपा के लोग अपने अनुसार नियमों और परंपराओं को बदलते रहते हैं, कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों SN साहू ने ही राष्ट्रपति द्रौपदी
मुर्मू को लेकर एक बेहद गंभीर सवाल उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपतियों आर वेंकटरमन और के आर नारायणन द्वारा स्थापित परंपराओं को तोड़ते हुए वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। ये भी पता नहीं लगाया कि नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया है या नहीं। यहां तक कि राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को निर्धारित समय के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए भी नहीं कहा, जबकि पहले ऐसा होता आया है। इन आरोपों पर हमने एक वीडियो विस्तार से बनाई है, यदि आपने नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिएगा। यानी जो बात लगातार भारत की वर्तमान राष्ट्रपति को लेकर सामने आती रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनके कद को कहीं ना कहीं छोटा कर दिया गया है। आपने देखा नई संसद की बिल्डिंग बनाने के लिए भूमि पूजन हुआ तब भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, उद्घाटन हुआ तब भी उन्हें नहीं बुलाया गया। इसी तरह से राम मंदिर के कार्यक्रम में भी उन्हें जगह नहीं दी गई। और पिछले दिनों आपने ये भी देखा, भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर जाकर भारत के राष्ट्रपति उन्हें भारत रत्न सौंप रही थी, और जब ये सब कुछ हो रहा था तो राष्ट्रपति खड़े होकर सम्मानित कर रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी सोफे पर बैठे हुए थे। इस बार में यदि उम्र का हवाला दिया जाए कि हो सकता है आडवाणी जी की तबीयत खराब रही हो, मगर सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं बगल में सोफे पर बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे और भारत की राष्ट्रपति खड़े होकर अपना काम कर रही थी। इस तरह की तमाम तस्वीरें पिछले दो राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में हमने देखी है, और अब ऐसी तस्वीरें न्यू इंडिया की तस्वीर हो गई है। अब आप अपनी सेहत का ख्याल कर लीजिए, मामला बड़ा संगीन नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी सेहत का सौदा कर लिया है, आपके जीवन का सौदा कर लिया है। पिछले दिनों कोविड वैक्सीन को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ वो अभी थमा ही नहीं था कि एक नई स्टोरी सामने आ गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत में बनने वाली 50 जीवन रक्षक दवाओं की जांच की और उसमें पाया कि उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, और कुछ दवाइयां तो नकली भी पाई गई हैं। यानी आप दवाई खाते हैं बीमारी भगाने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, और वो दवाई ही अपने आप में एक बीमारी बन जाती है। अब नकली दवा को बीमारी न कहें तो क्या कहें? आपकी तबीयत खराब हुई, आपने दवाई खाई ठीक होने के लिए, उसी इंतजार में बैठे रहे कि दवा तो खा लिए हैं मगर तबीयत ठीक होने की बजाय और बिगड़ती जा रही है और खराब हो जाए। दवाई की इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें बताया गया है कि 50 जीवन रक्षक दवाओं जिसमें पैरासिटामॉल 500 mg, कुछ विटामिन्स और कुछ कैल्शियम की गोलियां हैं, और कैल्शियम की गोलियों के साथ साथ बहुत सारी सामान्य दवाएं भी शामिल हैं जिनकी क्वालिटी सही नहीं है। इसमें हाइपरटेंशन की दवा भी शामिल है, कफ सिरप भी शामिल है, सीजर अटैक को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपम गोलियां भी हैं, दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक, मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी शामिल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार 50 दवाओं में से 22 का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। राज्य दवा प्राधिकरण ने कथित तौर पर दवा संबंधित कंपनियों को नोटिस भी भेजा है और उनसे संबंधित दवा के पूरे बैच को बाजार से वापस लेने के लिए भी कहा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बनने वाली हर तीसरी दवा हिमाचल प्रदेश में बनती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई दवाएं बिना लेवल के भी पाई गई तो कुछ नकली भी मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार हिमाचल में निर्मित दवाओं की फेल हुए नमूनों में गले में संक्रमण, बीपी, कैंसर, दर्द, बैक्टीरियल इंफेक्शन, अल्सर, खांसी, एलर्जी, वायरस संक्रमण, एसिडिटी, दर्द निवारक, खुजली और बुखार से संबंधित दवाएं शामिल हैं। यहां एक और बात याद रखिए, साल 2022 में हरियाणा की एक कंपनी द्वारा बनाई गई 4 दवाओं के कारण गांबिया में 66 बच्चों की मौत हो गई थी, और WHO ने घोषणा की थी कि संबंधित कंपनी द्वारा बनाए गए कफ सिरप में कुछ ऐसा पदार्थ है जो मनुष्य के लिए जहरीला होता है, और बकायदा WHO ने उन 4 दवाओं के खिलाफ अलर्ट जारी किया था। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, मोदी सत्ता ने दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए एक जुगाड़ भी निकाला कि उनकी दवाओं से कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो दवा बनाने वाली कंपनी को दिक्कत नहीं होगी, यानी वो थोड़ा बहुत मुआवजा देकर अपनी जान बचा लेगा यदि आप उनकी फर्जी और नकली दवा खाकर बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं तो। बाकी फार्मा कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा को कितना करोड़ चंदा दिया है, कौन सी कंपनी ने दिया है, ये तो हमने आपको लगातार पिछले दिनों दिखाया ही था। नहीं देखे हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित हमारे चैनल पर दर्जनों वीडियो उपलब्ध हैं, जाइए और देखिए। उधर केंद्र सरकार के एक मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सत्ता में चालू हुई 1817 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से 458 परियोजनाओं की लागत 5,71,000 करोड़ बढ़ गई है। ये इतनी बड़ी रकम है जिसे हम और आप एक बार में लिख नहीं पाएंगे कलम से, यकीन न हो तो कोशिश करके देख लीजिए। यानी जिन योजनाओं की घोषणाएं मोदी सत्ता ने की थी अब उनकी कीमत बढ़ गई है, उन पर खर्चा बढ़ गया है, और बढ़े हुए खर्च की कीमत 5,71,000 करोड़ है। और मोदी सत्ता के 1817 परियोजनाओं में से 831 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। खर्चा बढ़ने का एक कारण यह भी होता है कि परियोजनाएं धीमे धीमे चल रही हैं, पहले जो चीजें सस्ती थी अब उनकी कीमत बढ़ गई है, दाम बढ़ गया है। यानी कहां तो साहब लगातार दावा करते थे कि हमारी सरकार में ऐतिहासिक गति से काम होता है, बुलेट ट्रेन की गति से काम होता है, और बुलेट ट्रेन की गति देखिए 10 साल हो गए अब तक पता नहीं चला। और साहब की ऐतिहासिक गति की स्थिति यह है कि लगभग आधी योजनाएं लेट है, और इनमें से प्रत्येक परियोजना
योजना 150 करोड़ या उससे ज्यादा की है। रिपोर्ट का कुछ हिस्सा है स्क्रीनशॉट में लगा रहे हैं, और पढ़ना हो विस्तार से पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब इस अगली रिपोर्ट पर फोकस करिए। विनिर्माण क्षेत्र में इनफॉर्मल सेक्टर ने पिछले 7 सालों में 54 लाख नौकरियां खो दी है। एनएसओ के आंकड़े के विश्लेषण से पता चला है कि जून 2015-16 और अक्टूबर 2022-23 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 54 लाख से ज्यादा नौकरियां गायब हो गई तथा 18 लाख से अधिक संस्थाएं गायब हो गई, यानी इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। यहां उसी इनफॉर्मल यानी असंगठित क्षेत्र की समस्या के बारे में बताया गया है। जिस इनफॉर्मल सेक्टर की बात राहुल गांधी हमेशा उठाते हैं कि लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार देने वाली छोटी छोटी कंपनियां समाप्त हो गई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बता रही है कि प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में भी 15% की कमी देखने को मिली है। किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था राहुल गांधी बता रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से एक बार वो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा कर रहे थे, और उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये बताइए साल 2018 में दुनिया भर में मंदी आई, भारत पर इसका असर क्यों नहीं हुआ। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाब दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था को 2 हिस्सों में देखना चाहिए, एक है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र। भारत को वैश्विक मंदी से असंगठित क्षेत्र ने बचा लिया, और अब आप देख रहे हैं कि भारत का वही असंगठित क्षेत्र खुद ही संकट से गुजर रहा है, वहां लोगों के पास काम नहीं है। इसी असंगठित क्षेत्र को काम देने की बात राहुल गांधी कर रहे थे, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे थे, और इस तरह के तमाम वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था, मगर वो सत्ता में नहीं है। नोटबंदी से यही असंगठित क्षेत्र बर्बादी की कगार पर पहुंच गया, और हकीकत यह है कि पिछले 7 साल में 54 लाख से अधिक नौकरियां गायब हो गई, 18 लाख से अधिक छोटी मोटी संस्थाएं गायब हो गई, और देश की हकीकत बयां करने वाली ये खबरें देश की जनता के सामने ना आए, इन पर चर्चा न हो, इनको छुपाया जा सके, इसके लिए गोदी मीडिया की भीड़ तैयार की गई है, जो दिन रात सरकार की हर बुराई को हर कमी को छुपाने का काम करती है, जिसके लपड़ झंडे आपको हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद में डुबाए रहते हैं, देश की जनता की गर्दन पकड़ के नफरत की बाल्टी में झुकाए रहते हैं। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यदि आज की तारीख में कोई है तो वो है इस देश का गोदी मीडिया, और सबसे बड़े गद्दार और देशद्रोही है इस गोदी मीडिया के लपड़ झंडे। केंद्र में तो मोदी सत्ता ने मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील कर ही दिया है, और उन पर पाबंदी अंकुश लगाने का काम तो लगातार जारी रखा ही है। उधर भाजपा के ही सहयोगी पार्टी टीडीपी, जिसकी बैसाखी से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उसने भी कुछ ऐसा ही काम आंध्र प्रदेश में किया है, उस पर आरोप लगा है। आते ही यानी सरकार में आए तुरंत मीडिया का दमन कथित रूप से शुरू हो गया, और पिछले शुक्रवार की रात को कम से कम 4 तेलुगु समाचार TV9, साक्षी टीवी, NTV, 10 TV का प्रसारण बंद कर दिया। दवायर की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रबाबू नायडू की सरकार आने के बाद ये दूसरी बार है जब ये 4 चैनल बंद हुए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि हमने केवल टीवी ऑपरेटरों को कोई निर्देश नहीं दिया। उधर YSRCP के नेताओं का कहना है, यानी जो विपक्षी दल है जो चुनाव हार गया है, उनके लोगों का कहना है कि राज्य में TDP की नई सरकार के दबाव में केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने इन चैनलों को हमेशा के लिए बंद करने की मांग की है, और विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के सिद्धांतों पर सीधा हमला बताते हुए सरकार को घेरा है, तथा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस मामले पर पत्र भेजा गया है। चारों चैनलों में से एक के अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शुक्रवार की रात में ही 4 TV चैनल बंद हो गए। केवल टीवी ऑपरेटरों का कहना है कि उन्हें चैनल बंद करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि आदेश किसने दिया है। यानी सरकार कह रही है कि हमने बंद करने का आदेश नहीं दिया, और गुप्त रूप से खबरें आ रही हैं कि आदेश मिला है बंद करने का। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं, आदेश कौन दे सकता है। नरेंद्र मोदी की भाजपा ने मीडिया को लेकर जो उदाहरण सेट किया है वो इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। यदि इनकी सत्ता चली भी जाती है, विपक्ष की सरकार आती भी है जो अभी हाल फिलहाल में आती नहीं दिख रही है, तो गोदी मीडिया और इसके लपड़ झंडे यही काम करेंगे। यदि नई सरकार ने उन्हें आजादी नहीं दी, आजाद पत्रकारिता करने का आदेश नहीं दिया, छूट नहीं दी, तो क्योंकि अब तो ये मजबूर होंगे। 10 साल में इतने सारे कांड किए हैं कि एक झटके में इनको तिहाड़ यात्रा करवाई जा सकती है। इस वीडियो में मैंने 5 बेहद महत्वपूर्ण मामलों पर बात की है, और इन सब का सरोकार आपके जीवन से है, आपसे है। मगर जरा ढूंढिए कि गोदी मीडिया के किसी भी चैनल पर क्या इससे संबंधित कोई खबर दिखाई जा रही है। इसीलिए बार बार अपील है कि सोशल मीडिया पर जो भी पत्रकार आपकी बात कर रहे हैं उन्हें हर तरीके से समर्थन दीजिए, क्योंकि उनके पास केवल आप ही हैं और कोई नहीं है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। फिलहाल धन्यवाद। जय हिंद।